कमरे में बैठे थे। अरे डॉक्टर सादिक को अपने कई अफसाने सुनाए। अभी डॉक्टर सादिक ने कागज लिया और उस पर एक लाइन लिखकर बोले, क्या तुम इस पर अफसाना बना सकते हो? मैंने कहा हाँ भाई क्यों नहीं। डॉक्टर सादिक ने कागज पास में मेज पर रख दिया। मैंने कागज उठाया, लाइन को पढ़ा। उसके सारे जिस्म में, मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उस
उसने मुझे पश्चिना झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, ये एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है, उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था। मैंने उससे कहा, अरे चलिए मैं लिए चलता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। उसने अपने साथी लड़के की मुझे पकड़ी और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर साधक को पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ है। मैं वहां गया, दरवाजा बंद था, बाहर मरीजों की बहुत भीड़ लगी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से तेज और तुंगा आवाज आई, कौन है? दरवाजा मत ठोको। मैंने फिर दस्तक दी। डॉक्टर साधक ने दरवाजा खोला, अरे अरे भाई, और वो मुझे गाली देते देते रह गए। तुम हो? अरे हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। अरे अंदर आ जाओ। मैंने उस लड़की से कहा, अंदर आ जाओ, लेकिन उस लड़के को बाहर रहने देना। डॉक्टर साधक ने मुझसे पूछा, लड़की? मैंने जवाब दिया, अरे मारे में नहीं, कौन है? तो ऐसे डिपार्टमेंट पूछ रही थी, तो मैंने कहा चलिए मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर साधक ने दरवाजा और खोल दिया, मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। अंदर चार पांच मरीज थे, डॉक्टर ने उनकी जल्दी जल्दी स्क्रीनिंग की और उनको रुखसत किया। अंदर अब बस हम दो ही थे, मैं और वो लड़की। डॉक्टर ने मुझसे कहा, अबे ये क्या बीमारी है? ओ अरे इन्हें क्या बीमारी है? क्या बीमारी है तुम्हें? तो मालूम नहीं क्या बीमारी है, वो हमारे मोहल्ले में डॉक्टर है ना, उन्होंने कहा एक्सरे लो। डॉक्टर साधक ने उससे एक्सरे मशीन की तरफ आने को कहा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, बड़े जोर के साथ उससे टकरा गई। तुम्हें सुझाई नहीं देता? डॉक्टर साधक ने बड़े तेज लहजे में उससे कहा, मगर लड़की खामोश रही। डॉक्टर साधक ने उसका भुर्का उतारा और उसे मशीन के पीछे खड़ा कर दिया। स्विच ऑन करने के बाद जैसे ही मैंने मशीन के शीशे में देखा, मुझे उसकी पसलियां नजर आई। हाँ, उसका दिल भी काले से धब्बे की सूरत में कोने में धड़क रहा था। डॉक्टर साधक चार पांच मिनट तक उसकी पसली हड्डियों को देखता रहा और उसके बाद मुझसे मुखातिब हुआ, अरे छाती तो बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर तो काफी बड़ी बड़ी थी। दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुरका ढूंढने लगे। बुरका वहीं कोने में एक मेज पर पड़ा था। मैंने बुरका उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर साधक ने रिपोर्ट लिखी और उससे उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी जी, मेरा नाम हनीफा है। हनीफा? डॉक्टर साधक ने पर्ची पर उसका नाम लिखा और उसके हवाले कर दिए। लड़की ने पर्ची ली और अपनी कमीज के अंदर अंगिया में उड़ा सी। और जैसे ही वो बाहर निकली, मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था। हाँ, मगर मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि डॉक्टर साधक ने मुझे शक की नजरों से देखा था। जहां तक मैं उसे जानता हूँ, उसे इस बात का पूरा यकीन था मेरा उस लड़की के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। हालांकि आप सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई। तो उसके पीछे पीछे था, उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई। जैसे ही वो तांगों के अड्डे पर पहुंचे, तो मैंने हनीफा से पूछा, अरे हनीफा तुम्हें कहाँ जाना है? उसने मुझे एक गली का नाम बताया, तो मैंने भी झूठ मूठ में कह दिया, अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे तांगे में बिठाया, तो मुझे एहसास हुआ मेरी आंखें एक्सरे का शीशा बन गई। मेरा बहुत मन था कि मैं उसके साथ बैठूं, लेकिन कोई देख लेगा ये सोचकर मैंने उसके साथ ही लड़के को उसके साथ बिठा दिया। खुद अगली नशस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूँ। मंटो? मंटो क्या है? हम कश्मीरियों की जात है, हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम कहीं वो आए हैं? मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा, बोला, तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराने लगे और उसकी आंखें और भी पुरकशिश हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी,
लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थी बेहद पुरकश थी। तुम्हें कहाँ जाना है? तुमने तांबे वाले को रास्ता बता दिया। तांबे वाले ने बाजार का रुख लिया। जैसे ही बाजार में गए वहां पे बहुत भीड़ थी। तांबा रुजूर पर चल रहा था, सड़क में गड्ढे थे इसलिए धक्के लग रहे थे, जिसकी वजह से हनीफा का सर बार बार मेरे कंधे से लग रहा था। अब मेरा बहुत मन करता है उसके सर को अपने सामने पर रख से नजरें क्या मेरी रोशन फिजाए हो गए। मैंने जसारत से काम लिया और उसके बाल को ये उसके माथे पर लटक कर उसकी आंखों को ढांप रहे थे। पुलिस से उठाया उस पर उसने बुरा ना माना। मैंने फिर जसारत उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। इस पर उसने कोई मुसाहमत ना की। आती लड़के से बोली, मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हारा घर कहाँ है? छोटे लड़के ने बाजार को इशारा करते हुए बोला, इस बाजार में। सामने वाले ने बाजार को रोक दिया। थोड़ी देर में उनका घर आ गया। छोटे लड़के ने तांबे वाले को रुकने के लिए कहा। जैसे ही तांगा रुका छोटा लड़का नहीं चल रहा मगर हनीफा बैठी रही। मैंने हनीफा से कहा, तुम्हारा घर आ गया। उसने मुझे अजीब गरीब आंखों से देखा और पूछा, बदरूम कहाँ है? कौन बदरूम? अरे वही लड़का जो मेरे साथ था। मैंने उस लड़के की तरफ देखा जो पास में ही खड़ा था। अरे ये तो खड़ा। अच्छा, उसने इतना कहा और बदरू से बोली, बदरू मुझे उतार को दो। बदरू मुझे बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारा। मैं सख्त मुतैयर था। मैंने पिछली नशिस्त पर जाते हुए बदरू से पूछा, अरे क्या बात है, ये सुननी हो सकती क्या? उस लड़के ने मुझे जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता।